अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये नाम गूंज रहा है उसी दिन से जब से सरकार ने सेना भर्ती की ये योजना शुरू की है। लेकिन आज बिहार, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान के रास्ते सचमुच में अग्निपथ यानी आग ही आग वाले दिख रहे हैं। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे बहुत से युवा सड़कों पर हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं पुलिस से भिड़ रहे हैं, कहीं ट्रेन रोक रहे हैं, कहीं दृश्य दर्दनाक भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। उसको रिश्तेदारों ने बता दिया कि सेना की आम भर्ती कैंसिल हो गई है और नई योजना अग्निपथ आ गई है जिसमें 4 साल की नौकरी मिलेगी सेना में। अब देखिए, खबर जब आधी अधूरी होती है तो किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम। सरकार जो योजना चला रही है इस समय, जो योजना मौजूदा चल रही है, वो योजना अलग है और अग्निपथ योजना अलग से है। यानी मौजूदा भर्ती योजना बंद नहीं हुई है, अग्निपथ योजना उन लोगों के लिए है जो 17.5 साल से 21 साल के हैं। इन युवाओं को 4 साल के लिए सेना अपने साथ रखेगी, ट्रेनिंग देगी, सैलरी भी देगी, 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी रहेगी, उनका बीमा होगा, उनको 4 साल के बाद भी सेना में नौकरी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उनमें से 25% को सेना में रखा जाएगा और बाकियों को वन टाइम मनी देकर विदा कर दिया जाएगा। वन टाइम मनी भी छोटी मोटी नहीं होगी, 11 लाख रुपये होंगे। और अगर इन 4 सालों के भीतर अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, वो व्यवस्था अलग से की गई है। जो लोग इस अग्निपथ योजना में शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 लोगों की भर्ती होगी इसके तहत। अब जो लोग सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये लग रहा है कि 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या होगा, रोजगार नहीं रहेगा। पिछले कुछ दिन से इस तरह की बातें सोशल मीडिया में भी उठाई जा रही थी, लेकिन वही बात कि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी बात होती है पर एक्शन पूरा होता है। यूपी जैसे राज्यों ने तो घोषणा कर दी कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को हम पुलिस बल और बाकी बलों की भर्ती में प्राथमिकता देंगे। अगस्त से अग्निवीरों की भर्ती हमारी शुरू होने वाली हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि अग्निवीरों को 4 साल के बाद अर्धसैनिक बलों में प्रायोरिटी मिलेगी, पर प्रदर्शनकारी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराने पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ स्कीम वापस ली जाए। इसी मांग की वजह से कहीं सहरसा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को रोका जा रहा है, कहीं पटना जाने वाली, कहीं जहानाबाद, बक्सर, सहरसा, मुंगेर, नवादा में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ट्रैक उखाड़े जा रहे हैं, बेगूसराय में तो टायर जला दिया, प्रदर्शन हो रहा है, कैमूर में स्टेशन के अंदर घुस गए, भगदड़ मच गई, पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, और दिल्ली के नांगलोई में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में भी प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ छात्र कह रहे हैं कि स्कीम वापस ले और हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। चलिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपें, लेकिन इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? तैयारी करने वाले छात्र कह रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, 4 साल बाद क्या होगा, छुट्टी का क्या होगा, उसकी जितनी नौकरी की जो निटग्रिटीज़ हैं उसका क्या होगा। सोशल मीडिया के बयानवीर भी इस योजना पर जोक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 साल बाद निकलने के बाद अग्निवीर अपने टेम्पो पर या ऑटो पर ये लिख सकेंगे क्या कि भूतपूर्व अग्निवीर। अब ऐसे जोक बना रहे हैं वो। जब भर्तियां नहीं निकल रही थी तो इस बात को लेकर नाराजगी थी कि भर्तियां कहां हैं, और अब इस बात पर कि भर्ती स्थायी क्यों नहीं हो रही है। देश सेवा करने वाले जज्बे ये देख रहे हैं कि 4 साल बाद उनकी जेब बैंक अकाउंट का क्या होगा, यानी आर्थिक पक्ष सेवा वाले पक्ष पर ज़्यादा हावी है, वो भी तब जब स्थायी भर्ती बंद नहीं हुई है। ऐसे में आगजनी और प्रदर्शन करने वालों को देश सेवा याद करनी चाहिए और हरिवंश राय बच्चन जी की ये लाइन भी याद करनी चाहिए, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार।